झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली से रांची तक बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में देखिए कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक आज होनी है। शाम 5 बजे से दिल्ली में यह बैठक शुरू होगी। उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है और किस तरीके से सभी जो सीटें हैं उसको साधा जाए, अपने सबसे बेहतर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसको अंतिम रूप कैसे दिया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक का बेहद अहम होने वाली है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। बीते दिनों सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ये जरूर कहा गया है कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद की जो सीटें होंगी वो सहयोगी आरजेडी और वाम दलों को दिया जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें पूरी तरीके से सहमति का इंतज़ार है और ये सीईसी की बैठक माना जा रहा है कि बेहद अहम होगा और इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होनी है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर आज मुहर लग सकती है। संभावनाएं हैं कि आज इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए, उन प्रत्याशियों की जो घोषणा है अब वो कर दी जाए। वो इसलिए क्योंकि एनडीए की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है। 66 उम्मीदवारों का जिक्र उसमें है। 66 सीटों पर एनडीए ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम के साथ साथ पूर्व सीएम की पत्नी भी चुनावी मैदान में होंगी। चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब सत्ताधारी इंडिया गठबंधन की भी कोशिश होगी कि जो हम उम्मीदवार उतारें वो पूरी तरीके से चुनौती पेश करें एनडीए के उम्मीदवारों को। हमारे साथ पूरे अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं, सीधा उनके साथ जुड़ेंगे। दीपक, सीईसी की आज अहम बैठक होनी है दिल्ली में, शाम 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी। ये बैठक कितना अहम होगा दीपक? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस की सीईसी की बैठक शाम करीबन 4-4:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है कि 4:30 बजे करीब जो है कांग्रेस के मुख्यालय पर आज सीईसी की बैठक होनी है। ये सीईसी की बैठक कई मायनों में बड़ी अहम है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि लगातार जिस तरीके से झारखंड चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू और उनके सहयोगी दलों का शीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया और ऐसे में अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है क्योंकि उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस के अंदर अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि झारखंड के अंदर कौन से ऐसे उम्मीदवार है जिनको चुनावी मैदान पर उतारा जाए। लगातार कांग्रेस जो है, चाहे वो रांची की बात करे, चाहे वो दिल्ली की बात करें, तमाम शीर्ष नेता है वो लगातार रांची और दिल्ली में जो है आना जाना लगातार बना हुआ है। कल राहुल गांधी भी रांची पहुंचे थे जहां पर उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात करी और आज दिल्ली के अंदर जब सीसी की बैठक होगी तो इसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि आखिरकार किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, किनकी दावेदारी झारखंड चुनाव प्रबल होगी को लेकर चिंतन करना और आज जब सीसी की बैठक होगी तो इसमें सभी उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है उसको मोहर भी लग जाएगी क्योंकि झारखंड चुनाव को लेकर जो कांग्रेस है पहले स्क्रीनिंग और उनकी कमेटी से लगातार बैठक कर चुकी है लेकिन आज सीसी की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है दीपक, लेकिन एक चीज ये भी समझना होगा, हरियाणा के अगर आप विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां पर कांग्रेस को अप्रत्याशित हार मिली। ऐसे में सीईसी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि झारखंड में सत्ता में है कांग्रेस, जेएमएम के साथ सत्ताधारी गठबंधन में है। ऐसे में विचार विमर्श का जो दायरा है वो और बढ़ सकता है क्योंकि हरियाणा चुनावों ने जो जो सबक दिए होंगे कांग्रेस को उनको भुलाकर झारखंड में चुनावी मैदान में उतरना चाहेगी कांग्रेस। देखिए बिल्कुल, हरियाणा चुनाव जो है एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए जो है सीखने वाली ये बात है कि हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा में लगातार कांग्रेस कह रही थी कि जीत इस बार जो है कांग्रेस की होगी और उसके दूसरी तरफ लगातार हरियाणा के अंदर जो है
आम आदमी पार्टी करे, लेकिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से धराशायी हुई। कांग्रेस को जो कह रहे थे लगातार हम इस बार बने में इस तरीके से बैकफुट पर आ गए। यहाँ सीट लेने की सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार हरियाणा चुनाव से झारखंड चुनाव बहुत ही अलग है। मैं लगातार कह रहा हूँ अपने बाइस्कोप के दर्शकों को भी लगातार ये कह रहा हूँ कि चुनाव समझा जा रहा था, झारखंड जो है भौगोलिक चीजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का परिवेश, यहाँ का माहौल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो लोग हैं उनका दिमागी जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। वो वहाँ पे प्रकृति की जो बात करने वाले लोग हैं, उनकी जमीनी जुड़ी बातों को बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो गाँव और कस्बों से आते हैं। गाँव की बात करने वाले लोग ऐसे कांग्रेस की लिस्ट बड़ा सवाल यही है, क्योंकि झारखंड चाहे भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के लिए अपने लिस्टों को जारी किया तो वहां पे देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे टिकट जो थे जो लोग थे उनका टिकट काटा गया, नए नामों को भी एंटर किया गया, महिलाओं को वहां पे सीट दी गई। बड़े बड़े जो नाम चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, अमर चाहे ऐसे बड़े नाम है जहाँ पे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता है कि आखिरकार इनके सामने अपने उम्मीदवारों खड़ा करके जीत हासिल कैसे कराई जाए। ये स्थिति सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए होगी और जेएमएम और कांग्रेस इसी तमाम चीजों पर जोर भी दे रही है। देखिए लगातार हम अपने बाइस्कोप से कह रहे थे आपको 9 से 10 का फॉर्मूला जो आपको लगातार मिल सकता है आखिर में, क्योंकि तब के साथ खबर दिखाने की बात जहां पर जो की जाती है उसमें लगातार हमारी कोशिश बनी रहती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज करवा चौथ का भी पर्व है और ऐसे में आज सीसी के अंदर भी इस अपने चांद को देखने की बात जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं चलिए ठीक है दीपक। आज महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के इस बैठक में कई अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी कैसे सबक लेते हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीतियां तय की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे बैठक पर। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।